हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैंकर भाई दयासर में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलगी का डिस्कशन कर लिया था पूरा, और आज का अपना टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। तो चलिए ब्रायोफाइट्स के बारे में अध्ययन करते हैं एनसीईआरटी बुक से, वो भी लाइन बाई लाइन, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एनसीईआरटी के सारे लाइन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसलिए हम लोगों को लाइन बाई लाइन स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में किस किस को रखा गया है? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेज, किसको? मोसेज को एंड लिवर वॉर्ट्स, मोसेज और लिवर वॉर्ट्स को ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत रखा गया है। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, यानी कि मॉइस्ट एरिया और शेडेड एरियाज में मिलेगा कहाँ पे? तो पहाड़ी एरिया में, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड, क्या किस नाम से जाना जाता है ब्रायोफाइट्स को? तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों कहा जाता है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इसे? बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, ये तो रहता सॉइल में, उगता सॉइल में, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर इसे मीडियम प्रोवाइड करता है क्या मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, ठीक। अगला पॉइंट है, वही पॉइंट है, दे यूजुअली अकर इन डैम, यानी कि दलदल, ह्यूमिड मतलब आर्द्रता जहाँ पे नमी हो, एंड शेडेड लोकेलिटी, ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो डैम एरियाज, ह्यूमिड एरियाज और शेडेड लोकेलिटीज में ये प्रायः मिलता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या सॉइल्स, ये प्लांट सक्सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और ये सब हम लोग इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, सक्सेशन क्या है, प्लांट सक्सेशन, इस सब के बारे में तो वहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी, जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स का वो कैसा है? मोर डिफ्रेंशिएट है किसके अपेक्षा? एल्गी के अपेक्षा। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ये कैसा है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है और सीधा रहता है, यानी कि सीधा है। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, और ये सब सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच रहता है, जो अटैच करने का काम कौन करता है? राइजोइड। और राइजोइड कैसा होता है? तो राइजोइड हो सकता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों में से कोई हो सकता है। दे लाइक ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स, इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होता है। दे मे पॉसेज रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें तो ट्रू रूट स्टेम और लीफ क्या होता है? अब्सेंट होता है, लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, किसके जैसा? तो रूट के जैसा, लीफ के जैसा और स्टेम के जैसा। और इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वह कैसा होता है? वो होता है गैमेटोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होगा तो इट प्रोड्यूसेज गैमेट्स, हैप्लॉइड होगा तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहा जाता है। कैसा होता है ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी? कैसा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और वो गैमेट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफाइट। और इसमें अगला है अपना, द सेक्स ऑर्गेन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, हाँ, और जो सेक्स ऑर्गेन है कौन है सेक्स ऑर्गेन? तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है सेक्स ऑर्गेन, जो कैसा होता है? मल्टीसेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। और एल्गी में क्या होता है? एल्गी में होता है यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, और एल्गी में एक एक्सेप्शन है, तारा, तारा जो ग्रीन एल्गी है वो एक एक्सेप्शन है, जिसमें क्या होता है, उसमें मल्टीसेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट होता है तारा में, बाकी सारे एल्गी में यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे सारे ब्रायोफाइट में कैसा होता है? मल्टीसेलुलर और जैकेटेड, ठीक है। सारे पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। द मेल सेक्स ऑर्गेन इज एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गेन को क्या कहते हैं ब्रायोफाइट में? एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट्स, क्या? ये बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि मेल गैमेट, मेल गैमेट को क्या बोलेंगे? एंथ्रोजोइट्स, जो कैसा होता है? बायफ्लैजिलेट होता है। बायफ्लैजिलेट कहने का मतलब दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होगा, किसमें? एंथ्रोजोइट्स में। और फीमेल सेक्स ऑर्गेन कौन है? कौन है? आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गेन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड, जो कैसा होता है? फ्लास्क के शेप जैसा होता है। एंड प्रोड्यूसेज ए सिंगल एग, जो एक एग प्रोड्यूस करता है, कौन? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कौन है? फीमेल सेक्स ऑर्गेन। और एंथ्रीडियम कौन है? मेल सेक्स ऑर्गेन। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? तो बायफ्लैजिलेट मेल गैमेट, यानी कि एंथ्रोजोइट्स। और आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है? तो ए सिंगल एग, यानी कि फीमेल गैमेट, ठीक है, जो होता है फ्लास्क शेप का। अगला है, द एंथ्रोजोइट्स रिलीज्ड, एंथ्रोजोइट्स रिलीज्ड इन टू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम। एंथ्रोजोइट क्या है? मेल गैमेट है, जो क्या होता है? रिलीज होता है वाटर में, और जो किसके कॉन्टेक्ट में आता है? आर्किगोनियम को के। और आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गेन। तो मेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गेन के कॉन्टेक्ट में आता है,
क्यों कॉन्टेक्ट में आता है? फ्यूजन के लिए, फ्यूजन के लिए एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज, जो एंथ्रोजॉइड आया है कॉन्टेक्ट में आर्किगोनियम का, वो क्या करेगा, फ्यूजेज विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, फ्यूज कर जाएगा आर्किगोनियम में जो एग है, कौन, आर्किगोनियम में जो एग है उसके साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा एंथ्रोजॉइड और फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। और इसमें इसका लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग जानते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, और जाइगोट क्या होता है कि इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है, रिडक्शन डिवीजन करने का मतलब मियोसिस में नहीं जाता है, ये क्या करता है, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। और जो जाइगोट बनाए फ्यूजन के द्वारा, ये जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, और ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, जो कैसा है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, ठीक है, उसमें डेवलप हो जाएगा। और वहाँ पे स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। और स्पोर कैसे प्रोड्यूस करेगा, स्पोर मदर सेल में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस वहाँ पे होगा, और मियोसिस होगा वहाँ पे तो उससे प्रोड्यूस होगा हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, एयर के द्वारा स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो करके फिर वो एक नए प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाएगा, यानी कि एक नया गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेगा। तो ये था, पहले क्या फ्यूज किया, उसके बाद स्पोरोफाइट में क्या हुआ, डेवलप हो गया, और स्पोरोफाइट में कैसे डेवलप हो गया, तो माइटोसिस होगा, जाइगोट में माइटोसिस हुआ, स्पोरोफाइट में डेवलप हो गया, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल है, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस के दौरान हैप्लॉइड स्पोर बना, और हैप्लॉइड स्पोर बना वो क्या, ईयर के थ्रू क्या किया, यानी कि स्प्रेड हो गया, और स्प्रेड होकर नए प्लांट बॉडी में डेवलप हो गया, यानी कि नए गैमेटोफाइट का निर्माण कर लिया, और फिर नया गैमेटोफाइट क्या करेगा, इस तरह से साइकिल चलता रहेगा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, और इसमें गैमेटोफाइट है डोमिनेंट स्टेज, यानी कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, क्या, और जो ये स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग क्या है, फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग करने का मतलब ये खुद पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस किस में होता है, गैमेटोफाइट में होता है, और गैमेटोफाइट पे ये अपने भोजन के लिए क्या करता है, डिपेंड करता है, कौन, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो, वही बात है जो मैंने बताया है, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, क्या हुआ, वही बात, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना माइटोसिस के द्वारा, और फिर स्पोरोफाइट के कुछ सेल है जो रिडक्शन डिवीजन जिसमें होता है, और रिडक्शन डिवीजन होता है तो वो क्या बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर, और ये हैप्लॉइड स्पोर जो है जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है नए प्लांट बॉडी में, ठीक। अगला पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि कुछ ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, और कुछ जो मॉसेज है वो क्या प्रोवाइड करता है, हर्बेसियस मैमल्स यानी कि हर्बेसियस एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है, ठीक। और अगला पॉइंट है इसमें, अगला स्पेसीज ऑफ किसका, स्फेगनम, स्पेसीज ऑफ स्फेगनम, और स्फेगनम किसका एग्जाम्पल है, मॉस का, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और जो ये स्फेगनम है, ये स्फेगनम क्या करता है, डेट कर गया, और डेट करने के बाद ये क्या, एक पीट के रूप में मिलता है, जो पीट यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, पीट कहने का मतलब जैसे होता है ना, ये जैसे प्लांट डेट कर जाता है तो एक कोयला बन जाता है, उसी प्रकार से ये डेट करके पीट का निर्माण करता है, और ये पीट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। और जो ये स्फेगनम होता है, स्फेगनम के पास एक कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये अपने वेट के 20 गुना वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है किसमें, लिविंग मटेरियल, यानी कि लिविंग मटेरियल के किस चीज़ में, शिपमेंट में, और इसके पैकेजिंग में, यानी कि इसके पैक, इसको पैक किया जाता है स्फेगनम के द्वारा, ठीक है, क्योंकि स्फेगनम के पास कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है, मॉसेज अलोंग विथ लाइकेंस, वही बात, कौन वाला, एसोसिएशन वाला बात, मॉसेज अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कौन है, मॉसेज और लाइकेंस के साथ, ठीक है, जो क्या करता है, वो मॉसेज लाइकेंस जो रॉक को कॉलोनाइज कर लेता है और उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, और डिकम्पोज करके क्या करता है, डिकम्पोज करके इसको तोड़ देगा रॉक को, और रॉक टूट जाएगा तो क्या करेगा, जो नए प्लांट है, हायर प्लांट्स है, उसको ग्रो करने के लिए ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि ग्रो करने में मददगार होगा। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स,
ठीक है, हाइट प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल सब्सट्रेट प्रदान करता है, कौन कौन, जो रॉक डिकम्पोज हुआ है किसके द्वारा, लाइकेंस और मोसेज के द्वारा। सिंस मोसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। और जो जो ये मॉस है वो डेंस मैट फॉर्म करता है सॉइल पे, डेंस मैट कहने का मतलब एक सघन जाल की तरह, क्या जो इसका राइजोइड होता है सघन जाल की तरह सॉइल पे क्या होता है फैल जाता है, जो फैल जाता है अगर बारिश होता है तो इस सॉइल को इरोजन होने से ये क्या करता है बचाएगा, तो ये सॉइल को इरोजन होने से भी बचाता है, कौन, मॉस मॉस मॉस। अगला है ब्रायोफाइट्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है, हम लोगों ने इस बुक में डिवाइड किया गया है इंटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेज, हॉर्नवर्ट्स भी आता है लेकिन अपने को हॉर्नवर्ट नहीं पढ़ना है, लिवरवर्ट और मोसेज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए लिवरवर्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए लिवरवर्ट वही बात है, ग्रो कहाँ करेगा, सब वही ग्रो करेगा मॉइस्ट स्टेडी हैबिटेट्स में। द लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट स्टेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, ठीक है। ये कहाँ कहाँ ग्रो करेगा, तो सैडी एरिया में, मॉइस्ट एरिया में, बैंक ऑफ स्ट्रीम यानी कि रिवर के बैंक या किसी भी जल संग्रह के बैंक पे ये ग्रो करेगा, मार्सी ग्राउंड यानी कि दलदल ग्राउंड में, ठीक है, डैम सॉइल, मार्सी सॉइल, मार्सी ग्राउंड और डैम सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री का बार्क होता है उसमें भी ये ग्रो करता है, और डीप इन द वुड्स, लकड़ी में भी यानी कि डीप वुड में भी ये ग्रो करता है, कौन, लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स के बारे में चलिए जानते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, हाँ थैलॉइड होता है प्लांट बॉडी, और इसका एग्जाम्पल क्या है, मर्चेंसिया, मर्चेंसिया और रिसिया, मर्चेंसिया और रिसिया लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे इसको। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अपडेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और ये थैलस है जो क्या होता है सॉइल से क्या होता है चिपका रहता है, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल टाइप से ये सॉइल से चिपका रहता है। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक सब स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो लीफी मेंबर्स होता है हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज, जिसके पास क्या होता है टीनी लीफ लाइक अपेंडेज होता है, जो दो रोज में क्या करता है, दो रोज में फैला रहता है, ठीक। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका पिक्चर क्या है, पिक्चर 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 देखिए ये है, ठीक है, ये किसका है, ये लिवरवर्ट का एग्जांपल है, लिवरवर्ट बोले तो मर्चेंसिया का। तो देखिए ये जो लीफ है, ठीक है, और ये जो लीफ है ये, ठीक है, ये तो ये जमीन से क्या है जुड़ा हुआ है, ये राइजोइड को, राइजोइड के द्वारा, और ये जो देखिए ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक ये, एक ये, एक ये और एक और है जो ढका होगा, तो ये दो दो के रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं अलग होते हैं, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है ये, ठीक है, स्टेम जैसा दिखता है। यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या है जमीन से चिपका हुआ, लेकिन नहीं चिपका हुआ नहीं, ये इरेक्ट है, खड़ा है जमीन से, इस पिक्चर में दिखलाया गया है वैसे, ठीक है। जो मर्चेंसिया का एग्जाम्पल था वह मर्चेंसिया था, जो लिवरवर्ट का एग्जाम्पल था, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है क्या, अगला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, जो थैलाई के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, लिवरवर्ट में, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा, और सिंगुलर इसका गेमा कहलाता है, ठीक है। गेमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स, गेमी क्या है, जो गेमी है किसमें, मर्चेंसिया में यानी किसमें, लिवरवर्ट्स में, वो क्या है एक बर्ड है, सेक्सुअल बर्ड है, जो कैसा है ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई, जो ये थैलाई में एक गेमा कप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें गेमी क्या होता है डेवलप होता है। जैसे कि फिर से एक बार पुनः देखिए पिक्चर को, देखिए ये क्या है गेमा कप, गेमा कप है ना, इसमें क्या है ये गेमा है, इसके अंदर गेमा है जो क्या है एक बर्ड के रूप में है, बर्ड के रूप में प्रेजेंट है गेमा, और ये इसके द्वारा क्या होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मर्चेंसिया में यानी कि लिवरवर्ट्स में, ठीक है। जो होता है मल्टी सेलुलर होता है सेक्सुअल बर्ड होता है विच डेवलप इन टू स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई, ठीक। द गेमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, हाँ बर्ड के रूप में है तो ये क्या करेगा डिटैच हो जाएगा यानी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नए प्लांट बॉडी में क्या कर जाएगा ग्रो कर जाएगा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है लिवरवर्ट्स में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कैसे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा, मेल
एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। ठीक है, या तो सेम पे भी प्रोड्यूस हो सकता है या डिफरेंट पे भी क्या प्रोड्यूस हो सकता है, क्या मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन। ठीक है, तो जो होता है सेम में किस में प्रोड्यूस होगा, तो सेम कहने का मतलब मोनोसियस होगा वो, मोनोसियस कहने का मतलब एक ही बॉडी में डेवलप होगा दोनों, फीमेल सेक्स ऑर्गेन और मेल सेक्स ऑर्गेन। तो इसका एग्जाम्पल है सेम वाला का, किसका, सेम वाला का, यानी कि मोनोसियस। तो मोनोसियस का एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लीजिए, कौन है, रिसिया, RICIA। ठीक है, और डिफरेंट थैलाई में, डिफरेंट थैलाई में अपना मर्चेंसिया, यानी कि ये हो गया कैसा, डायोसियस हो गया। ठीक, तो ये याद रखना है हम लोगों को, यानी कि सेम बॉडी पे भी डेवलप हो सकता है और डिफरेंट बॉडी में भी डेवलप हो सकता है। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फूट, सेटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट के बाद जो स्पोरोफाइट का निर्माण होता है वो किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट होता है, फूट में, सेटा में और कैप्सूल में। ठीक है, फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे इसको। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। जो मियोसिस होता है किसमें, स्पोर मदर सेल में, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, कैप्सूल में। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा जिससे क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूस होगा किसमें, कैप्सूल में। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और ये स्पोर जर्मिनेट करके एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और फिगर के द्वारा समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये देखिए गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट बना, इसमें क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। मान लीजिए यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ और जाइगोट डेवलप हो जाएगा इसमें स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट ये कितने पार्ट, तीन पार्ट, एक वाला फूट और दूसरा सीटा और ये है कैप्सूल, और कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है जहाँ पर मियोसिस के दौरान स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। और देखिए ये राइजोइड है, राइजोइड। ठीक, अगला पॉइंट अपना है, तो ये अपना खत्म हो गया लीवर वर्स। लीवर वर्स में ये क्या क्या याद रखना था, लीवर वर्स का एग्जाम्पल रिसिया, मर्चेंसिया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी कैसा है, गैमेटोफाइट है। अगला वही है मोसेज, मोसेज जो अगला कैटेगरी, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसेज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेज। ठीक है, इसमें भी ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट का, तो ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट ही होगा। और इसमें जो होता है मोसेज में, जो इसका स्टेज होता है गैमेटोफाइट का, उसका दो स्टेज है, कौन कौन है, तो फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज, और प्रोटोनेमा स्टेज में क्या क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेट करके जो स्टेज बनेगा सबसे पहले उसे प्रोटोनेमा स्टेज बोलेंगे। ठीक, ये प्राइमरी स्टेज है। ठीक, इट इज ए क्रीपिंग, ये क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। ठीक है, प्रोटोनेमा स्टेज कैसा कैसा है, क्रीप कर सकता है, ग्रीन है, ब्रांच है और फिलामेंटस स्टेज है। अगला स्टेज है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज बोले तो क्या, सेकेंडरी स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लेटरल बॉड। ठीक है, पहला था प्रोटोनेमा स्टेज, दूसरा है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में क्या होगा, ये क्या लेटरल बॉड इसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, और लीफी स्टेज कहने का मतलब इसमें लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है, स्पाइरली होता है, एक हुआ उसके बाद स्पाइरली फॉर्म में लीफ का अरेंजमेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये है, फिर ये है, ये ऐसे ऐसे स्पाइरली फॉर्म में लीफ का फॉर्मेशन इसमें होता है, किसमें, मोसेज में। ठीक है, मोसेज में दे आर अटैच टू द सॉइल, जो किससे अटैच रहता है, यहाँ से चले जाते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, इसमें क्या स्पाइरली अरेंज रहता है लीफ। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, हाँ ये तो हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टी सेलर और ब्रांच राइजोइड प्रेजेंट होता है, जो सॉइल से क्या रहता है, अटैच रहता है। दीज स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गेन्स, और जो लीफ स्टेज है, लीफी स्टेज, वो क्या कंटेन करता है, तो वो सेक्स ऑर्गेन को कंटेन करता है। किस स्टेज में सेक्स ऑर्गेन पाया जाता है, तो लीफी स्टेज में, प्रोटोनेमा स्टेज में नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके बाद है इसमें रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा करने का मतलब लीफी स्टेज, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन होता है बडिंग के द्वारा। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गेन्स, सेक्स ऑर्गेन्स कौन, एंथ्रीडिया
and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a food seta capsule. ठीक है, the sporophyte in mosses is more elaborate than that in किसमें liverworts. इसमें देखिए फिर से एक बार मोसेज में आइए, मोसेज में फ्यूनेरिया का यहाँ पे पिक्चर है ये, ठीक है, और ये है स्फेग्नम का. देखिए यहाँ पे क्या होगा, गैमेट प्रोड्यूस होगा, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये फ्यूज करके क्या करेगा, जाइगोट बनेगा गैमेट फ्यूज करके, और जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में डेवलप हो गया. और स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, फूड सेटा और कैप्सूल, और कैप्सूल में हम लोग जानते हैं एसपीएम होता है, स्पोर मदर सेल, जिसमें क्या होता है मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन के दौरान स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो फर्दर स्प्रीड होके एयर के द्वारा नए गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है. अगला पॉइंट है द कैप्सूल कंटेंस स्पोर्स. जो कैप्सूल में हम लोग जानते हैं कैप्सूल में क्या रहता है, स्पोर रहता है प्रेजेंट, और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. ये भी जानते हैं कि स्पोर एसपीएम में मियोसिस होता है उसके दौरान स्पोर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और क्या है, और क्या है, द मोसेज हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. और मोसेज के पास एक क्या होता है, इलेबोरेट, इलेबोरेट करने का मतलब यानी कि अधिक विकसित मैकेनिज्म होता है, किसके अपेक्षा, तो लीवरवर्ट की अपेक्षा. और इसमें एक और था, स्पोरोफाइट भी था इसमें, जो क्या था, अधिक विकसित था लीवरवर्ट की अपेक्षा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है. एग्जाम्पल उसका क्या था, किसका, किसका, अरे लीवरवर्ट का, लीवरवर्ट का मर्चेंसिया ओरिसिया था. मर्चेंसिया में क्या था, मर्चेंसिया डायोसियस था और ओरिसिया मोनोसियस था. मोनोसियस कहने का मतलब यानी कि मेल सेक्स ऑर्गेन फीमेल सेक्स ऑर्गेन एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, ओरिसिया में था, और फीमेल सेक्स ऑर्गेन और मेल सेक्स ऑर्गेन अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो, जैसा कि मर्चेंसिया में था, उसे हम लोग डायोसियस बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम. ठीक है, ये एग्जाम्पल था, स्फेग्नम का यूज किया जाता है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें स्फेग्नम का यूज किया गया था कॉटन की जगह पे. ठीक है, और पॉलीट्राइकम जो यूज किया जाता है स्टोन को रिमूव करने में, किस स्टोन को, अरे वो किडनी में स्टोन हो जाता है ना, किडनी में होता है ना स्टोन पत्थर, उसको इसका काढ़ा पीते हैं पॉलीट्राइकम का, तो वो स्टोन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है पॉलीट्राइकम के काढ़ा पीने से. ठीक है, ये सब पॉइंट हमें याद रखना है. और स्फेग्नम को क्या बॉग मॉस के नाम से जानते हैं, किस मॉस, बॉग मॉस, जो कैसा है, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, और क्या है, और कॉटन की तरह यूज किया जा सकता है, जैसा कि किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में कॉटन की जगह, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी स्फेग्नम में पाया जाता है. ठीक है, तो अपना ये ब्रायोफाइट खत्म हो गया, अगले लेक्चर में हम लोग टेरिडोफाइट डिस्कस करेंगे. ठीक है, और जा करके ब्रायोफाइट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन लगाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आया हुआ है. ठीक है, तो बने रहिए, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे लेक्चर आपको मिलता रहे और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके बायोलॉजी में या और नीट में. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड